Hello students, welcome to Winning Quest Online Classes. I am CA Pardeep Jha and we are doing Accountancy Basics. चलिए हम अपने जर्नल एंट्री के सफर को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टर्म्स और कुछ नई जर्नल एंट्रीज. ये जर्नल एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये उसी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जर्नल एंट्रीज से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. चलिए शुरू करते हैं. नाउ कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है? कंपाउंड एंट्री इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंट्रीज. होता क्या है, अगर आपको सेम डे 500 एंट्रीज पास करनी है, 600 एंट्रीज पास करनी है, बेसिकली एक से ज्यादा एंट्री अगर आप पास कर रहे हो तो आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो. लेट्स से मैं सेम डे पे ये चार एंट्रीज कर रहा हूं. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. चलिए इसमें थोड़ा सा अमाउंट भी लिख देते हैं. लेट्स से 10,000, 7,000 और 3,000. तो बेसिकली मैं एक दिन ये तीन एंट्रीज कर रहा हूं सेम डेट को. अब तीन एंट्रीज को मैं एक एंट्री में क्लब कर सकता हूं जिसे मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग. नाउ कंपाउंडिंग में होगा क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आपके पास एक ही अकाउंट है जो बार बार क्रेडिट हो रहा है, राइट. कैश अकाउंट जो है वो तीन बार आपने क्रेडिट किया है, पहले 10,000 से, फिर 7,000 से और फिर 3,000 से. तो जो कैश है, कैश क्या हो गया, कॉमन हो गया. नाउ कैश अकाउंट क्रेडिट है, अगर आप इसका टोटल करो कितना बनेगा, 10,000, 7,000 और 3,000, टोटल हो गया 20,000. तो मैं क्या करता हूं, इसको इकट्ठा लिख देता हूं, टू कैश $20,000. अब मैंने क्या किया, कैश को क्रेडिट कंपाउंड कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है. जो डेबिट है वो सेम नहीं है, डेबिट अलग अलग है. पहले मैंने किसको किया, सैलरी को, फिर मैंने किया वेजेस को, फिर मैंने किया रेंट को. तो अब यहां पे क्या होगा, मैं एक डेबिट की जगह तीन डेबिट करूंगा. पहले करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 7,000 और रेंट अकाउंट डेबिट 3,000. सो मेरी ये एंट्री बैलेंस कर गई, टोटल 20,000 डेबिट हो रहा है और 20,000 ही क्रेडिट हो रहा है. तो बेसिकली कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग का मतलब है अगर आप सेम डेट पे एक से ज्यादा एंट्रीज पास कर रहे हो और उनमें कॉमन अकाउंट्स हैं तो आप उनको क्लब कर सकते हो, राइट. एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. लेट्स से मैंने राम को पैसे दिए, या मैंने राम से कोई सामान खरीदा और थोड़े पैसे दे दिए, बाकी सामान उधार पे है. एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं. परचेज फ्रॉम राम गुड्स ऑफ 20,000 एंड पेड 5,000 इन कैश. तो यहां पे उधार पे मैं कितना सामान ले रहा हूं, 20,000 का, बट मैंने 5,000 दे दिया तो उधार कितना बच गया, 15,000 का. तो इस केस में मैं एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए आपके पास जो परचेज है आप उसको डेबिट करोगे. परचेज क्या है, अब मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच भी कराया है और ट्रेडिशनल अप्रोच भी कराया है. ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो परचेज को मैंने बोला कि अभी आप एक्सपेंस लेके चलोगे, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज डेबिट हो जाएगा. और अगर आप मॉडर्न अप्रोच से देखो तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, उसे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा. तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 20,000. अब यहां पे इसके लिए मैं दो एंट्रीज भी कर सकता हूं और एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकता हूं. चलिए मैं सबसे पहले आपको दो अलग अलग एंट्रियों से ये करके दिखाता हूं. अगर हम इसकी दो एंट्रियां करें तो पहली एंट्री होगी
purchase account debit 20,000 to Ram 20,000, right? अब आप राम को पैसे दे रहे हो, पैसे कैसे दे रहे हो? राम अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000. अब आपको लगेगा इसमें कि सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? बट ये दोनों एक डेट की ट्रांजेक्शन है, इसको भी कंपाउंड किया जा सकता है. इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट बार बार आ रहा है, दोनों एंट्री में एक अकाउंट आ रहा है, वो कौन सा अकाउंट है? राम. बट राम एक बार क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और अगली बार क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये परचेज अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट लिख लिया. उसके बाद राम अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 20,000 से. और राम अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 से. मैंने आपको पहले ही बताया कि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट है. डेबिट अगर प्लस है तो क्रेडिट माइनस है, एंड वाइस वर्सा. तो 20,000 में अगर आप डेबिट निकाल दोगे 5,000, तो आपके पास राम क्रेडिट कितना बचेगा? 15,000, राइट? 20,000 पे राम क्रेडिट है, जिसमें से 5,000 अगर आप उसको डेबिट कर दो तो राम में क्रेडिट कितना बचेगा? 15,000. सो आई विल राइट टू राम अकाउंट 15,000, ओके? और मैंने उसको कैश कितना दिया है? कैश यहां पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं 5,000. तो ये मेरी एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी. तो बेसिकली कंपाउंडिंग के दो ही तरीके हैं. एक तो कि अगर आप रिपीटेडली एक एंट्री कर रहे हो, जैसे आपने किया रेंट टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, आपने अलग अलग एक्सपेंसेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया. आप कैश एक ही डेट पे आप बार बार क्रेडिट करने की जगह इकट्ठे कर सकते हो. मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस अकाउंट है, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, सबको डेबिट कर लिया, और क्रेडिट किसको कर दिया? इकट्ठे कैश को टोटल अमाउंट से, जैसा कि मैंने इस एंट्री में किया था. दूसरा हो सकता है, आप क्या करो, दो एंट्रीज को आपस में क्लब करो. जैसे मैंने इस केस में किया, मैंने राम से सामान लिया कितना, 20,000 का, और मैंने इसको 5,000 रुपए भी दिए. नाउ 20,000 का सामान लेने की एंट्री क्या होगी? परचेज टू राम, कैश दिया उसकी एंट्री क्या होगी? राम टू कैश. बट ये यहाँ पे जो राम है वो डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो मैंने उसको क्लब कर दिया. अगर इन दोनों एंट्रियों को मैं क्लब कर दूं तो मेरे पास राम क्रेडिट कितना बचता है? 15,000. मैंने क्या किया, उसी को यहाँ पे ले लिया, और 5,000 रुपये जो मैं कैश दे रहा हूँ वो यहाँ पे ले लिया. तो इस तरीके से हम दो तीन जनरल एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके एक कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है? हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंड एंट्री करना कंपल्शन है. इन रियल लाइफ कंपाउंड एंट्री करना कोई कंपल्शन नहीं है, आप अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, बट आपको कंपाउंड एंट्री करनी भी आनी चाहिए. इट बेसिकली सेव्स योर टाइम, राइट? चलिए दोस्तों, कंपाउंड एंट्री के बाद हम जनरल एंट्री के कुछ और टाइप्स और नए टर्म्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहला टर्म हमारे पास है डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंट वी ऑल नो कि क्या होता है. डिस्काउंट इज बेसिकली जो आप प्राइस पे छूट दे रहे हो, राइट? सो डिस्काउंट अकाउंटिंग टर्म में हमारे पास दो तरह का हो सकता है. पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट. नाउ सबसे पहले समझिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली अ होलसेलर्स डिस्काउंट. जो लोग होलसेल का काम कर रहे हैं, ये उनको आगे जब रिटेलर उनसे परचेज करता है सामान, तो होलसेलर देता है उसको डिस्काउंट. लेट्स एन एग्जांपल कि अगर एक कैलकुलेटर है, उसका MRP 100 rupees है, तो वो कस्टमर को तो 100 rupees में ही जाएगा, राइट? कस्टमर तो 100 से ज्यादा नहीं देगा. कस्टमर विल नेवर पे ओवर एंड अबव MRP. अब होता क्या है कि जब रिटेलर यानी कि जो दुकानदार है वो होलसेलर के पास जाता है वही कैलकुलेटर खरीदने, तो होलसेलर उसको बोलता है किसी कोई भी कैलकुलेटर आप हमसे परचेज करोगे हम आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे ऑन MRP, राइट? नाउ ट्रेड डिस्काउंट आपको सबसे पहले जाना होगा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो होता है होलसेलर का, होलसेलर का डिस्काउंट है. और दूसरा ये हमेशा किस पे होता है? ऑन MRP, जो
जिसको हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं कभी कभी. लिस्टेड प्राइस का मतलब सिंपल, वो जो स्टिकर लगा हुआ है एमआरपी का वो कितने का है. तो लेट्स से एक रिटेलर है, वो एक कैलकुलेटर लेने गया, बेसिकली उसको अपनी दुकान में कैलकुलेटर्स रखने हैं. तो होलसेलर ने बोला कि देखो 20% डिस्काउंट है ऑन लिस्ट प्राइस. तो बेसिकली अगर कैलकुलेटर का एमआरपी, जो कैलकुलेटर है उसका एमआरपी 100 रुपए है, तो होलसेलर उसको कितना डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 20%. तो रिटेलर को ये कैलकुलेटर कितने में मिलेगा, इसका 20% लेस कर देते हैं, 20 रुपए आएगा, 80 रुपीज का. तो बेसिकली 20 रुपए जो है वो रिटेलर का प्रॉफिट है, राइट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ होलसेलर डिस्काउंट, जो किसको मिलता है, रिटेलर को. कौन देता है, होलसेलर देता है. अगर आप वही सामान दोबारा मार्केट में बेच रहे हो तो होलसेलर जनरली होता है क्या कि बड़े ब्रांड्स जो होते हैं उनके मार्जिन फिक्स हैं. वो किसी भी रिटेलर को बोलते हैं कि हाँ अगर आपको नाइकी के शूज लेने हैं, इस पर 40% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब आप 40% ओवर करके बेच सकते हो, राइट. अगर मान लो कोई 1000 रुपए का शू है और उस पर 40% ट्रेड डिस्काउंट है तो 400 रुपीज लेस हो जाएंगे, और जो रिटेलर है उसको वो जूता कितने का पड़ा, 600 रुपए का. आगे वो फर्दर उसको एमआरपी पे 1000 रुपए में बेच सकता है या 900 में डिस्काउंट करके कम पे भी बेच सकता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अ जनरल ट्रेड प्रैक्टिस. बेसिकली जो होलसेलर हैं वो रिटेलर को ये डिस्काउंट देते हैं ऑन अ लिस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिस्ट प्राइस का मतलब एमआरपी है. ऐसा कभी नहीं होगा कि होलसेलर एमआरपी पे सामान बेचे और आगे रिटेलर भी एमआरपी पे बेचे, राइट. नाउ कम टू द कैश डिस्काउंट. अब कैश डिस्काउंट बेसिकली इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन फॉर अर्ली पेमेंट. अर्ली पेमेंट और कैश पेमेंट. देखो बच्चों, जनरल प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप क्रेडिटर से, वेंडर से सामान खरीदते हो तो वेंडर आपको कुछ टाइम देता है, राइट. ये एक नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है कि आपको कुछ दिनों का क्रेडिट मिलता है. जैसे मेडिसिन के केस में आपको 90 डेज का क्रेडिट मिलता है, 120 डेज का क्रेडिट मिलता है. गारमेंट के केस पे आपको 100 डेज का, 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है. नाउ क्रेडिट पीरियड इज व्हाट, मैंने आपको सामान बेचा बट आपको मुझे पैसे कब देने हैं, आफ्टर 90 डेज. जब 90 डेज का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, यानी कि 90 दिन तक आप मेरे को वो पैसा वापस कर सकते हो. अब होता क्या है कि अगर मैंने 90 दिनों तक आपको अपना सामान दिया है, ऑब्वियसली मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया. लेट से मैंने कोई एक्स प्रोडक्ट खरीदा कैश में, मैंने आपको दे दिया, आप उसे आगे फर्दर बेचोगे और बाद में मेरे को पैसे दोगे, मैंने आपको 90 डे का क्रेडिट दिया है. बट इस केस में हो क्या रहा है, मेरा पैसा तो ब्लॉक हो रहा है, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट. अगर वही पैसा मैं बैंक में डाल दूं तो मुझे ब्याज आएगा, बट यहां पे वो पैसा कहां चला गया, आपके पास चला गया. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या दिया है, क्रेडिट पीरियड दिया है 90 डेज का, राइट. अब होता क्या है, कई बार टू गेट द अर्ली पेमेंट जो वेंडर्स है वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं. अब डिस्काउंट कैसे ऑफर होता है, मैं आपको बोलूंगा कि देखो 90 डे का क्रेडिट पीरियड है बट अगर आप मुझे कैश में अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, या मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूं, 2% डिस्काउंट दे रहा हूं. ऐसे जैसे मेडिसिन के केस में 2% कैश डिस्काउंट इज कॉमन. अगर आप कोई भी होलसेल में मेडिसिन खरीदते हो और आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो 2% का डिस्काउंट कॉमन है. नाउ कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, बिकॉज जो भी क्रेडिट पीरियड है आप उससे पहले पेमेंट कर रहे हो, राइट. सो इट इज बिकॉज ऑफ अर्ली पेमेंट एंड कैश पेमेंट. नाउ इट कैन बी थ्रू कैश और कैन बी थ्रू बैंक, दोनों सेम ही बात है. सो लेट्स से मैंने आपको सामान बेचा 10,000 रुपए का, इस पे 60 डे का क्रेडिट पीरियड है, मतलब 2 महीने बाद आप लोग मेरे को पेमेंट करोगे, बट मेरे को पैसों की जरूरत है. मैंने आपको बोला कि एक काम कीजिए, आप मुझे अभी पैसे दे दीजिए, होगा क्या, मेरे को जल्दी पैसे मिल जाएंगे और आपको मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 5% का. मैं डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम सेविंग माई इंटरेस्ट. मेरा जो पैसा फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, राइट. नाउ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंस के तरीके से भी और इनकम के तरीके से भी. सो लेट्स से आपने कोई सामान खरीदा है,
Mr. Ram purchased goods. List price hai 10,000, right? On a trade discount of 20% and cash discount of 5%. ठीक है जी, अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप किसी भी जर्नल एंट्री में शो नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली एक जर्नल ट्रेडिंग कल्चर में आपको वो डिस्काउंट मिला है, राइट? वो डिस्काउंट एक्चुअल में आपका प्रॉफिट है. ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट. अब जैसे हम आगे आगे ट्रेडिंग P&L ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे, आपको पता चलेगा बेसिकली हम करते क्या है, सभी सेल्स को क्रेडिट में रिपोर्ट करते हैं और जितने भी आपके एक्सपेंसेस और परचेज है उनको डेबिट में रिपोर्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग हमारे पास एक नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है, राइट? तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट आपका अपना मार्जिन है. अगर मान लो 100 रुपए का कैलकुलेटर, मैं 100 रुपए में लेके 100 रुपए में ही बेचूंगा, तो मेरा मार्जिन क्या है? कुछ भी नहीं. मैंने क्या कमाया? कुछ भी नहीं. व्हाई आई एम डूइंग द बिजनेस, राइट? बट अगर वो 100 रुपए का कैलकुलेटर मेरे को 80 रुपए में मिल रहा है और मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो 20 रुपया मेरी कमाई है. तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्यों नहीं दिखाते जर्नल एंट्रीज में? बिकॉज इट इज योर मार्जिन, राइट? तो चलिए सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. जो आपने सामान खरीदा है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 10,000. सबसे पहले इसमें हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी? निकालिए, 10,000 रुपए का 20% 2,000 आ गया. 2,000 लेस करके सामान कितने का बच गया? 8,000 का. नाउ अगर क्वेश्चन में ये कैश डिस्काउंट की बात ना दी हो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि कैश डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है और हमें सिर्फ यहां तक क्वेश्चन दिया हुआ कि राम परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, लिस्ट प्राइस 10,000 रुपए और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%. तो 10,000 का 20% 2,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट हुआ. आपने राम से सामान कितने का खरीदा है? 8,000 रुपए का. एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज. नाउ परचेज इज योर एक्सपेंस. अकाउंट डेबिट 8,000 टू राम 8,000. खत्म. ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं करना है. Now, अब मान लीजिए इसके बाद आप राम जो है उसको पैसे दे रहा है कैश में, राइट? राम उसको पैसे दे रहा है कैश में इमिडिएटली. उसने कहा मुझे क्रेडिट पीरियड की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, घर में खजाना भरा पड़ा है, मैं तुम्हें कैश में पैसे दूंगा. अब राम कैश में पैसे दे रहा है 8,000 रुपए, तो उसको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा. कितना? 5%. सो राम जो है उसको हम कैश दे देते हैं. राम अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश. अब अगर आपने 8,000 के 8,000 दे दिए तो आपको क्या फायदा हुआ, राइट? आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ. आपको फायदा कब होगा? जब आपको डिस्काउंट मिलेगा. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्काउंट. सबसे पहले हमने देखा जो लिस्ट प्राइस था वो था 10,000, माइनस कर दिया हमने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपए, बच गया कितना? 8,000 रुपए. अब 8,000 रुपए जो अमाउंट बचा है वो आप उसको इमिडिएटली पे कर रहे हो, आप कोई भी क्रेडिट टर्म अवेल नहीं कर रहे. तो ये 8,000 रुपए बेसिकली आपके जो अमाउंट ड्यू है उसमें से कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा, क्योंकि आप 8,000 रुपए उसको इमिडिएटली पे कर रहे हो. वो आपको कैश डिस्काउंट CD ऑफर कर रहा है कितने का? 5% का. नाउ 5% CD निकाल लीजिए कितना बना? 8,000 का 5% कितना बनेगा जी, बताओ? 400 रुपए. तो बचा कितना? 7,600. तो मैं राम को कितने पैसे दूंगा? 7,600. एक बार दोबारा से समझ लेते हैं. मैंने राम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का,
नॉर्मल ट्रेडिंग कल्चर में उस आइटम पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, बट मुझे कितने का मिलेगा? 8,000 का। ये ट्रेड डिस्काउंट मैं कहीं भी शो नहीं करूंगा, बिकॉज वो ट्रेड डिस्काउंट इज बेसिकली माय मार्जिन, तो उसको कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एक एंट्री पास करूं तो वह एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगेन मैं राम को पेमेंट कर रहा हूं, राम को मैंने कितने पैसे देने हैं? 8,000 रुपए देने हैं, राइट? बट मैं उसको पे कितना करूंगा अभी? 7,600। मैंने राम को पैसे कितने दिए? 7,600। जो 400 रुपए मुझे मिला वो मेरा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। टोटल 8,000 बन जाएगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने क्रेडिट क्यों किया? डिस्काउंट रिसीव्ड इज बेसिकली योर इनकम, और एज पर द ट्रेडिशनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसीलिए मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट किया है। और एज पर द मॉडर्न अप्रोच भी अगर आप लेके जाओ तो इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको कोई पैसे छोड़ देता है, बेसिकली आपको फायदा हुआ है, ये आपकी ये इनकम है कि आपको 8,000 रुपए पे करने थे बट एज यू आर पेइंग अर्ली उसने आपको 400 रुपए छोड़ दिए और आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया है? आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 7,600। इसमें कोई डाउट हो आगे चलें? इसके असाइनमेंट में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप करके आइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आई विल डेफिनेटली टेक द डाउट्स। अब डिस्काउंट के बाद एक और डी से टर्म्स आता है हमारे पास, वो है ड्रॉइंग्स। चलिए ड्राइंग डिस्कस करते हैं। ड्राइंग बेसिकली क्या है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है। दिस इज यू एंड दिस इज योर बिजनेस। बिजनेस मोटा बनाए। सो हम किसकी बुक्स मेंटेन करते हैं? बिजनेस की। हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं, जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, वो बिजनेस की बुक में होता है। तो अगर आप बिजनेस को पैसे दोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये मैंने डिटेल में पुरानी क्लास में डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिजनेस से वही पैसा वापस लो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग इज बेसिकली जब ओनर या मालिक अपने बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्लियर है? जब भी मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकाले या कुछ और भी निकाले तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रॉइंग में। अब ड्रॉइंग कई तरह की हो सकती है। Now, drawing can be in cash or it can be in kind. Cash तो बड़ा सिंपल है जी। आपने बिजनेस का गल्ला खोला, गल्ले से पैसे निकाल लिए, वो क्या है? ड्रॉइंग। और वो आपने अपने पर्सनल यूज में लगा दिए। गल्ले से पैसे निकाल के बिजनेस में लगाना इज नॉट ड्रॉइंग। बी वेरी प्रिसाइज। अगर आप बिजनेस का पैसा घर लेके आते हो, बिकॉज मैंने पहले दिन ही आपको बताया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि आपको समझना है आप अलग हो और बिजनेस अलग है। जैसे ही आपने बिजनेस से पैसा निकाला, आप बिजनेस की आपके प्रति जो देनदारी है वो कम हो जाएगी। जब भी आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो इट इज कैपिटल, और जब भी आप वो पैसा निकाल रहे हो इट इज ड्रॉइंग। सो अगर आप कैश निकाल रहे हो तो दैट वी कॉल कैश ड्रॉइंग्स। अगर आप इन काइंड निकाल रहे हो तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स इन काइंड। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कैश विड्रॉल से। नाउ कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। आपका अपना बिजनेस है, लेट्स से आपकी अपनी मिठाई की दुकान है, और आपने आज जो भी मतलब कमाई की है उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए और अपने पर्सनल काम के लिए खर्च लिए। लेट्स से आप अपने लिए कपड़े ले आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम
विड्रॉल बोलेंगे, इसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे. क्यों? क्योंकि आपने वो जो पैसा है 5000 वो बिजनेस का पैसा था, वो निकाल लिया है और आप ओनर हो, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग. नाउ इस केस में हमारे पास दो अकाउंट आएंगे, एक तो आएगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट, और दूसरा आपके पास आएगा कैश अकाउंट. नाउ सिंपल, कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है. कैश क्या होता है? आपका एसेट. एसेट कौन से उस कैटेगरी में आता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल. तो रियल है, रूल क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देखा जाए तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, आपके पास आ रहा है, बट बिजनेस से तो पैसा जा रहा है. हम क्या करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. और ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग इज बेसिकली योर पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ड्रॉइंग कुछ भी नहीं है, ड्रॉइंग बेसिकली एक तरह से कैपिटल ही है, राइट? अगर आप ध्यान से सोचो तो बिजनेसमैन जब पैसे देता है तो वो कैपिटल है, जब निकाल रहा है तो वो ड्रॉइंग है. सिर्फ डालने और निकालने को अलग रखने के लिए दो अलग अलग नाम दे दिए, कैपिटल और ड्रॉइंग. तो ये डेबिट हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं. सो इन केस ऑफ कैश विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस, आप बिजनेस से पैसा निकालते हो या बिजनेस से पैसा निकाल के कुछ भी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश विड्रॉल. उसके लिए एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. नाउ कम टू विड्रॉल ऑफ गुड्स. विड्रॉवल ऑफ गुड्स काफी इंटरेस्टिंग है. मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, आपका नाम है गोपाल और आपकी चल रही है गोपाल स्वीट्स, राइट? सो गोपाल स्वीट्स, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपकी शॉप में आया, तो आपने मुझे कहा नहीं नहीं सर आप ये मिठाई जरूर खाइए, आपने मुझे मिठाई ऑफर की. लेट्स से आपका कोई फ्रेंड आया, आपने उसको मिठाई ऑफर की, तो बेसिकली आप बिजनेस से क्या निकाल रहे हो? बिजनेस का सामान निकाल रहे हो, राइट? लेट्स से आपकी मोबाइल शॉप है, आपकी मोबाइल शॉप है और आपने अपनी दुकान से एक फोन अपनी मदर को गिफ्ट कर दिया, या एक फोन अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आपने रख लिया है, तो ये अगेन क्या है? एक विड्रॉल इन काइंड है, विड्रॉल ऑफ गुड्स है. जब भी आपने मोबाइल खरीदा होगा, लेट्स से आपका मोबाइल का बिजनेस है और आपने मोबाइल खरीदे, जब भी आप सामान, जब हम सामान खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते हैं. लेट से मैंने एक 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा हुआ, तो मैंने एंट्री क्या की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वो मैंने बिजनेस में रख दिया. अब हुआ क्या कि वो मोबाइल बिका नहीं, मैं उस मोबाइल को फिर घर ले गया, अपनी मदर को दे दिया, या मैंने पर्सनल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब आपने मोबाइल लिया था तो आपने क्या किया था? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था. अब वो मोबाइल तो बिजनेस पे रहा नहीं, वो मोबाइल बिजनेस से निकल के आपके घर पहुंच गया या आपकी जेब में पहुंच गया. तो ये जो परचेज अकाउंट है, आपको क्या करना है? इसको रिवर्स करना है. जब लिया था तो परचेज अकाउंट को आपने क्या किया था? डेबिट किया था. उसको रिवर्स करने के लिए डेबिट का उल्टा क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो हम क्या कर देंगे? टू परचेज. और अगेन मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉइंग है इट्स अ पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉइंग आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है. बेसिकली डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल हम फॉलो करेंगे. आपके पास मोबाइल आ रहा है तो आप क्या करोगे? ड्रॉइंग्स को डेबिट कर लोगे. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000. नाउ दिस इज द विड्रॉल ऑफ गुड्स. अब जरूरी नहीं है कि विड्रॉल ऑफ जो गुड है वो परचेज नेचर का हो, वो एसेट नेचर का भी हो सकता है. एसेट नेचर का इन द सेंस, जैसे आपने कैश विड्रॉ किया, वैसे आप बिजनेस से कोई एसेट भी विड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा. जब भी आपने कंप्यूटर खरीदा होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी? आपने की होगी एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट
टू कैश, राइट। जब भी आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने एक एंट्री की, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब कंप्यूटर अकाउंट क्यों डेबिट किया आपने? बिकॉज कंप्यूटर इज योर एसेट, आप अपने बिजनेस में ये यूज कर रहे हो, मान लो बिलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या आपका कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है, आप उसमें उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपने क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर आपका एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, वेरी सिंपल। अब हुआ क्या, ये कंप्यूटर थोड़ा पुराना हो गया और आप ये कंप्यूटर घर ले गए, सिंपल इनफ, आप ये कंप्यूटर घर ले गए अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो कंप्यूटर जब आया था तो आपने क्या किया था, डेबिट किया था। अब जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, ऑपोजिट क्रेडिट करोगे। तो आप कंप्यूटर को क्या कर दोगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करोगे, ड्रॉइंग्स को, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप क्लियर है। एक समरी बना देता हूं, तो जो भी ड्रॉइंग्स हैं वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं, या तो कैश में हो सकती है। तो कैश में होगी, सिंपल इनफ, हम एंट्री क्या पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत ही आसान है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो हो सकती है इन काइंड। अब इन काइंड में दो तरीके की एंट्रीज आ सकती हैं, एक तो आ सकता है गुड्स, आप बिजनेस का सामान लेंगे, दूसरा क्या आ सकता है कि आप बिजनेस का एसेट ही उठा के अपने घर पे ले गए, राइट। तो जब आप गुड्स लेके जाओगे आप एंट्री क्या करोगे, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। अब यहां पे परचेज अकाउंट मैंने क्रेडिट क्यों किया, इसका लॉजिक ये कि जब वो सामान खरीदा था तो मैंने परचेज को डेबिट किया था, अब वो सामान चला गया तो परचेज को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अकॉर्डिंगली एसेट का क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एसेट। अब ये एसेट कुछ भी हो सकता है, जब मैंने एसेट खरीदा था तो मैंने क्या किया था, एसेट को मैंने डेबिट किया था, अब वो एसेट जा रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब ये परचेज वाली ये जो चीज है, ड्रॉइंग्स टू परचेज जो मैंने किया, इससे रिलेटेड एक छोटी सी और एंट्री बनती है, मैं आपको चलते चलते वो भी बता देना चाहूंगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री सैंपल्स, आपने कुछ फ्री में सैंपल बांट दिए, जैसे मिठाई की दुकान पे वो चखने के लिए तो देते ना, थोड़ा सा चख के देखिए कैसी है मिठाई, या आप होलसेलर हो, आप क्या करोगे, जो भी आप सामान, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके सैंपल बहुत सारे रिटेलर्स के पास भेजोगे ताकि वो लोग उसको देख सके कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, राइट। तो जब भी आप कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल करते हो, इसके पीछे आपका मोटिव क्या होता है, आपका एक ही मोटिव होता है, एडवर्टाइजमेंट, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए फ्री में बांट रहे हो। सो एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली आपका एक एक्सपेंस है जिससे आपको हो सकता है बाद में बेनिफिट भी आए। सो एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, इट्स एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, नॉर्मल अकाउंट कैटेगरी। अब मैं ये एंट्री इस पॉइंट पे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब मैं सामान खरीदता हूं तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करता हूं, परचेज अकाउंट। अब जब मैंने फ्री में सैंपल बांट दिए तो मेरे को कौन सा अकाउंट कम करना चाहिए, राइट, परचेज अकाउंट। इसीलिए मैं यहां पे एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो अगर मान लो मैंने पूरे मंथ में या पूरे डे में 5,000 रुपए की फ्री में सैंपल, फ्री में मिठाई लोगों में बांट दी, सो दैट लोग इसको चखें और थोड़ी मेरी बिजनेस की प्रमोशन हो जाए, तो इट्स बेसिकली एन एक्सपेंस, राइट। और जब मैंने ये मिठाई खरीदी थी या जब मैंने
इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदा था जो मैं फ्री में बांट रहा हूं, तो मैंने अपना परचेज अकाउंट डेबिट किया था, राइट। अब उसको कैंसिल करने के लिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, इसीलिए मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अभी ड्राइंग के साथ इसको कराने का मोटिव ये था कि आप लोग समझो, ड्राइंग्स टू परचेज जब मैं कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं सामान घर लेके जा रहा हूँ, वही सामान मैं घर ले जाने की जगह फ्री में बांट रहा हूँ ताकि मेरे बिजनेस की प्रमोशन हो जाए। तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और परचेज को क्रेडिट कर दूंगा। इट्स क्वाइट सिमिलर टू दिस। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, राइट। असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे अभी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं पहले सॉल्व करूंगा उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, राइट। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विनिंग क्वेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो अहेड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स टू। In case you have any queries or comments, please write to us in the comments below. We would love to hear from you.